कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर वालों हमें एक दफा पीपल्स पार्टी को वोट दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। सारा मजमा उठ के भागना शुरू कर देगा जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया। अगर तो हम नहीं कह रहे कि हम सबसे अच्छे लोग हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम सारे बुरों में कम बुरे हैं। वो मेयर भी है और एडमिनिस्ट्रेटर भी था तीन, और जिसके साथ पीपल्स पार्टी की पूरी सपोर्ट है जो कि सूबाई हुकूमत है, तो उसके बाद तो शहर में दूध की नहरें बहनी चाहिए थी, नहीं कर सके। तो पीपल्स पार्टी के सरबरा जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो लाहौर में पंजाब में जाकर जो है वो कैंपेन कर रहे हैं और वो लाहौर में अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मैं जब उनकी तकरीर, उनकी बातें, उनकी चीज़ें कभी कभी मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मैं अपने शहर की तरफ तवज्जो देता हूँ कि जहाँ, और अपने सूबे की तरफ तवज्जो देता हूँ जहाँ पर उनकी 15 सालों से अनइंटरप्टेड और इससे पहले भी कई दफ़ा उनकी हुक्मरानी रही है, लेकिन पिछले 15 सालों में उनकी मुसलसल हुक्मरानी है। उनके अपने वज़ीर आला के रिकॉर्ड के मुताबिक 22,000 अरब रुपए उन्होंने सूबा सिंध में पिछले 15 सालों में खर्च किए हैं। 22,000 अरब रुपए खर्च करके कराची से अगर शुरू करें, जो पाकिस्तान की कोई एक दीवार खड़ी नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान में कोई, कराची में कोई थाना ऐसा नहीं है जिसका SHO बगैर पैसे, बगैर रिश्वत, पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी को दिए बगैर, रिश्वत दिए बगैर वो SHO लग जाए। आज कोई किसी की जमीन, अपनी जमीन, जाती जमीन किसी पीपल हुकूमत, सूबाई हुकूमत से बची हुई नहीं है, क्योंकि इनके जो लैंड माफिया के जो उनका सिस्टम है वो लोगों की जायज़ ज़मीनों पे कब्जा करके और फिर उसी ज़मीनों को छोड़ने के, उनके अपनी ज़मीनों को छोड़ने के लाखों करोड़ रुपए लेकर वो ज़मीन छोड़ते हैं। खुशकिस्मत हैं जिनकी ज़मीन छोड़। आज अगर लाड़काना में किसी बच्चे को कुत्ता काट ले, उस बच्चे को वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है, माँ बाप उस बच्चे को लेकर सफ़र करते हैं कराची तक और यहाँ आते आते उसकी जान चली जाती है। आज सिंध में 70 लाख बच्चे जिनकी उम्र है स्कूलों में जाने की, आज वो स्कूलों से बाहर हैं। 2300 अरब रुपए पीपल्स पार्टी ने एजुकेशन पे खर्च किए, 2300 अरब रुपए, और 22,000 अरब रुपए पूरे सिंध में उन्होंने कहते हैं कि हमने खर्च किए। ये इतना पैसा है जहां पर सिंध 50 दफ़ा बिल्डोज करके नया सिंध 50 दफ़ा बन सकता था ऐसे पैसों में। आज कराची जो कि पाकिस्तान को पालने वाला शहर है, वहां पर गटर में गिरकर रोज़ाना बच्चे मर रहे हैं, दुनिया चांद पर जा रही है, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में गटर में गिरकर मरने से बच्चों को नहीं बचा पा रहे, दुनिया चांद पर जा रही है, हम कराची जैसे शहर में गटर के ढक्कन नहीं लगा सके। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिनकी वजह से ये सारा मंजरनामा है, वो आज पंजाब को फतह करने की मुहिम चला रहे हैं, लाहौर में अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। उनके अपने अल्फाज हैं कि बिलावल हाउस में भी पानी वो खरीद कर पीते हैं। अपने वजीर आला को उनको सैक करना चाहिए था ये तकरीर करने के बाद या करने से पहले, कि उनको 15 सालों की हुक्मरानी रहने के बाद बिलावल हाउस में भी आज पानी, टैंकर का पानी जाता है। तो ये इस बात की गमबाजी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर वालों हमें एक दफ़ा पीपल्स पार्टी को वोट दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। सारा मजमा उठ के भागना शुरू कर देगा जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया अगर तो, क्योंकि कराची बनाने का मतलब है कि लाहौर के बच्चे भी गटर में गिरकर मरेंगे, कराची बनाने का मतलब है कि लाहौर वालों को भी पानी खरीद के पीना पड़ेगा, कराची बनाने का मतलब है कि यहाँ उनकी भी ज़मीनें कब्जा होंगी, कराची बनाने का मतलब है लाहौर को कि वहाँ पे भी फिर बिल्डिंग कंट्रोल में माफिया बैठेगी, लैंड ग्रैबर माफिया बैठेगी, पार्कों पे कब्जा करेंगे। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम नहीं कह रहे कि हम सबसे अच्छे लोग हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम सारे बुरों में कम बुरे हैं। हम नहीं कह रहे कि हम सबसे अच्छे लोग हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम सारे बुरों में
कम बुरे हैं और हर दिन के गुजरने के साथ हम अपनी बुराइयों को अपनी कोताहियों को कम कर रहे हैं, खत्म करें। क्यों खत्म कर रहे हैं? क्योंकि हमारा वास्ता लोगों पे है, सड़कों पे, लोगों के सामने। हम महलों में रहने वाले लोग नहीं हैं, हम इन्हीं गलियों में कूचों में घूमने वाले लोग हैं। हमारा लोगों से मिलना मिलाना है। अगर हम कोई गलती करेंगे की है तो लोग हमसे सवाल कर सकते हैं, हमारे हम लोगों के दरमियान के लोग हैं। हम महलों में विलास में रहने वाले और सिर्फ इलेक्शन की कैंपेन में निकल कर बाहर लोगों के दरमियान आने वाले लोग नहीं है। हमारे सुबह दोपहर शाम हमारा इन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना, गम मौत मैयत शादी खुशी। इसलिए हमारी जो कोताहियां हैं, अगर कोई गलती होती है तो लोग हमसे सवाल करते हैं, तो हम इसलिए अपनी गलतियों को हमें कम करना है, ख़त्म करना है, कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं कि हम लोगों के दरमियान रहने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे पास अपनी अच्छाइयाँ बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम नहीं क्लेम करते कि हम फरिश्ते हैं, हम सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन हम ये जरूर क्लेम करते हैं कि आप पाकिस्तान में सब किसी भी रखो, हम सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं, सबसे कम बुरे हैं। और हर दिन के गुजरने के साथ अपनी बुराइयों को अपनी कोताहियों को हम कम करते चले जा रहे हैं। आप अगर कोई हमसे अच्छा काम कर चुका होता तो हमें रिप्लेस कर लेता, वेरी सिंपल। अगर हमारे कामों पर हमसे कोई अच्छा काम कर ले, भाई हम आपने जो बताया ऐसे ही फर्ज करे हैं, और अगर ऐसे ही है तो अगर हमें फिर अपने कामों से रिप्लेस कर लेना था। अभी आज के जो पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, एक साल से ज़ायद का अर्सा उनको ये हो गया, और दो साल से वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उससे पहले दो सालों से एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तीन साल में मुस्तफ़ा कमाल के पास जब ये शहर था, तीन सालों में भाई मैं जो है दुनिया के बेस्ट तरीन मेयर में शामिल हो गया था, तीन साल का टाइम। अभी दो साल वो एडमिनिस्ट्रेटर है जिनके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, एक साल से वो मेयर है। तो यही बंदा जो है वो मेयर भी है और एडमिनिस्ट्रेटर भी था, और जिसके साथ पीपल्स पार्टी की पूरी सपोर्ट है, जो कि सूबाई हुकूमत है। तो उसके बाद तो शहर में दूध की नहरें बहनी चाहिए थी, नहीं कर सके। तो आपकी मैं नहीं कह रहा कहीं क्लेम नहीं कर रहा, हाँ हमारी पार्टीज़ की हमारे लोगों की कोताहियाँ होंगी, लेकिन एक बात वसूख से ये कह रहा हूँ कि भाई हमसे अच्छा कोई होता अपने कामों से हमें रिप्लेस करके। आज अगर 15 सालों तक किसी कोई हुक्मरानी है और वो अपने को काम नहीं गिना सके और उसके यही आसरा हो कि लंदन से हेलो की आवाज़ आएगी तो वो जीतेगा। पीपल्स पार्टी क्या कह रही है कि लंदन से हेलो की आवाज आएगी, बॉयकॉट हो जाएगा तो हम हार जाएंगे एमकेएम पाकिस्तान। अभी अपने काम नहीं बता पा रहे। आप मुझे 5 सालों के लिए सिंध हवाले करो, 15 साल नहीं, आप हमें 5 सालों के लिए सिंध हवाले करो और मैं आपको चैलेंज करता हूं, उसके बाद आप लड़काना जीत के दिखाओ, आप लड़काना जीत के दिखाओ, आप लियारी जीत के दिखाओ। 5 सालों सिर्फ इतना काम करेंगे लड़काना वालों के, इतने काम करेंगे लियारी वालों के कि आपकी अगले इलेक्शन में जमानतें जब्त हो जाएंगी। 15 साल जिसकी हुक्मरानी हो वो अपने काम से ऐसा कर देता कि हमारी सारी पार्टियां खत्म हो जाती, जम हो जाती, तबाह बर्बाद हो जाती। आज हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका सवाल, उसका जवाब ये है सारा जो हमें आपने फरमाया कि हमारी कोताही, हम कब कह रहे हैं हम सबसे अच्छे लोग हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम सारे बुरों में कम बुरे लोग हैं, नंबर वन। और हमसे कोई अच्छा काम करता तो जो है वो हमें रिप्लेस कर चुका होगा। और आपने कहा नौजवान, जब अभी तस्वीरें छपी नहीं हैं, आप बहुत सारे लोगों को जानते नहीं हैं, जब सबके पोस्टर, आज हमने सबको तस्वीरें खिंचवाने के लिए बुलवाया यहाँ पे, जब आपको पोस्टर मिलेंगे तो आपको उसको ज़्यादातर जो है वो नौजवान ही नज़र आएंगे। और आप हमें क्या बूढ़ा कह रहे हैं, मुझे बूढ़ा कह रहे हैं आप।